का जो एक्सपेरिमेंट आप देख चुके हैं, पहला संयोजन, दूसरा अपघटन और तीसरा विस्थापन, उसमें एक तत्व विस्थापित होता है, कितना तत्व विस्थापित होता है, इसमें दो होता है, इसमें कितना होता है दो, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। परिभाषा एक बार देख लेते हैं, परिभाषा समझ में नहीं आती रट्टा मारने वाला, रट्टा मारने वाला हम काम करते नहीं है, क्योंकि साइंस जो होता है वो रट्टा मार के पढ़ाया नहीं जाता, नहीं जा सकता, ये समझ किया जाता है और भी एक्सपेरिमेंट और मजा आता है। देखिए क्या कि द्विविस्थापन नाम से पता चला है कि दो का विस्थापन होगा, कितना विस्थापन होगा दो चीज के, दो चीज क्या हो सकता है वही देखना है, तो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का ही बात होगा। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो यौगिक, जिनमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, अपने दो नए यौगिक का निर्माण करता है, फिर दोनों दो नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन बोलते हैं। जैसे जो अभी क्रिया हम बनवाते हैं AgNO3, उदाहरण समझते हैं, उदाहरण AgNO3 की अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे किसके साथ, याद आप लोग किसके साथ, NaCl के साथ, तो बोलिए क्या बनेगा, AgCl NaCl। आप लोग को भी अच्छे से याद है, याद है ना, तो एक्सपेरिमेंट नहीं देखे हैं, ये वास्तव में होता है क्या, ये भी विलयन होगा, ये भी विलयन होगा, ये भी विलयन होगा और ये भी विलयन होगा, सॉलिड होगा ये, क्योंकि ठोस रूप से अलग होता है ये, और जिसे बोलते हैं अक्षय, जिसे क्या बोलते हैं अक्षय, और ये विलयन होगा, ये क्या होगा सोडियम नाइट्रेट का। चलिए AgNO3 क्या है, याद है ना सबको, चलिए NaCl क्या है, जिसे साधारण नमक भी बोलते हैं, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये बनाता क्या है, बनाता क्या है सिल्वर क्लोराइड बनाता है, तथा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिएगा जैसे लेकर दूसरा उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए कोई तत्व है AB, सॉरी तत्व नहीं यौगिक, तत्व नहीं यौगिक, दूसरा यौगिक है सी और डी, सी और डी, इसमें हेराफेरी होता है, हेराफेरी देखा है, हेराफेरी का मतलब वो उसके साथ वो उसके साथ होता है ना, हेराफेरी का मतलब वही होता है, सिनेमा देखा है हेराफेरी का, पहले नहीं होता ना, ये होगा पहला सही होगा, ये होगा पहला सही होगा होगा ना, तो प्लस वाला माइनस के साथ तो माइनस वाला, तो बी और सी अभिक्रिया कर देगा, क्या करेगा बी और सी या फिर ए और डी, ए और डी दिखा लेगा ना, देखिए ये बना लिया ए और बी, क्या बना लिया ए और डी, और उसके बाद ए कर लिया डी के साथ और बी कर लेगा सी के साथ, बी किसके साथ क्या करेगा सी के साथ। हाँ चलिए देखिए वैसे दिखा सकता, तो देखिए हमेशा आप लोगों को याद होगा कि कभी भी धनायन धनायन छात्र अभिक्रिया नहीं कर सकता है, मतलब धनायन यौगिक और हो जाएगा ऋणायन, तो कभी भी माइनस माइनस छात्र अभिक्रिया नहीं करेगा, अभिक्रिया हमेशा करेगा तो प्लस माइनस छात्र और माइनस प्लस, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक उठा के कौन बैठ गया है सी बैठ गया, एक उठा के कौन बैठ गया सी यहाँ पे बैठ गया ना, और यहाँ पे बी को उठाया कौन बैठ गया बी को उठाया कौन बैठ गया, तो इस प्रकार से ए चल गया है डी के साथ, ए चल गया है और बी चल गया है सी के साथ, सेम इसी प्रकार यानी AgNO3 में Ag अभिक्रिया कर लिया है Cl के साथ, मतलब दोस्ती करके मारा पीट कर लिया है, सब अपने में ही मार पीट कर लिया है, ज्यादा मजबूत वाला कमजोर वाला मार के भगा दिया है, नहीं नहीं हमारा पार्टनर है हम इसके साथ रहेंगे ऐसा कर लिया है सब, तो AgCl बना लिया है और NaNO3 बना लिया है, इसका हम लोग उपयोग करके देखेंगे डेमोंस्ट्रेशन, जिसे बोल सकते हैं केमिकल एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सिल्वर नाइट्रेट जो होता है थोड़ा डेंजरस हो सकता है,
त्वचा पे पड़ने के लिए इसलिए हम इसके उपयोग से पहले ग्लोव्स लगा लेते हैं हाथ में, ताकि कुछ हो भी तो किसको होगा, ग्लोव्स बहुत ज्यादा समझदार है तुम लोग में घमंड नहीं होता है, जन के घमंड नहीं होता है। ये जो है मेरे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, खाके खा समझ जाएगा, खाएंगे वो नमक होगा। अब ये मत कहे कि सर ये चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ, तो ये नमक है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है दोनों। ये तो ऑलरेडी मीडियम है, मतलब ऑलरेडी सॉल्यूशन है। इस नमक का हम लोग बिलर बना लेंगे। नमक क्या बना लेंगे, बिलर बना लेंगे। चलिए देखिए अभी मुंह काम नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना ही किया करना होगा। देखिए ना, नहीं जलने वाला था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं ना होता। देखिए अभी हम सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे गले में डालेंगे, एकदम आराम से देखिएगा। ये भी कैसा है, पूरी तरह से पानी पानी की तरह है ना जी। पूरी तरह से कैसा विलयन है, ये पानी की तरह विलयन है, जिससे हम व्हाइट बोल सकते हैं जी। क्या बोल सकते हैं इसको, फुल्ली व्हाइट बोल सकते हैं, फुल्ली व्हाइट बोल सकते हैं ना। ये किसका विलयन है, किसका विलयन है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। अब हम किसका विलयन बनाएंगे, किसका विलयन बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड का। इसमें हम रखें नमक, नमक खाना होना नहीं। अब इसमें केमिकल मिक्स करके कैसे खाएगा, टाटा नमक है, देश का नमक, टाटा नमक देश का नमक। गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, चलिए देखिए ये हो गया। अभी नमक का विलयन है, किसका विलयन है, सोडियम क्लोराइड का। थोड़ा इसको मिक्स कर लेते हैं, और पानी इसमें ऐड कर लेते हैं, इसको सही से मिक्सअप कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये थोड़ा क्या है, व्हाइट कलर का है, मतलब उसके तुलना में है ना, ये तो ऐसा कलर होगा ही नमक का वास्तव में, क्योंकि ये नमक मतलब थोड़ी मात्रा में ज्यादा दे दीजिए। शायद ये मिक्सअप हो चुका है, ये पूरे तरह से मिल गया है, और पानी ऐड कर दें चलेगा। चलिए हमारे पास दो है, ये है किसका विलयन, दोनों को मिक्सअप करेंगे तो देखते हैं इसमें होता क्या है, क्या क्या चेंजेस होता है। चलिए इसको मिक्सअप करते हैं, देखना क्या बन गया, ये तो पिएगा दूध बन गया, तो कैसा अंश प्राप्त हो गया, दूध कहा जाता है, कैसा अंश हो गया ना, दही बोले या दूध बोले, ऐसा हो गया ना। इसको हम अगर अप्रोक्सीमेटली लगभग अगर 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, तो इसमें जो ठोस वाला भाग होता है ना, ठोस वाला भाग वो अलग हो जाएगा, ठोस वाला भाग क्या होगा, इसमें अलग हो जाएगा। इसको लगभग छोड़ना होगा आपको आधा से एक घंटा, तो आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देते हैं। इसमें भी नहीं हुआ, देखो हाँ इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए नीचे में देखो दही का साफ छे, तो ये वाला अवक्षेप अलग हो गया है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप क्या हो गया है, अलग हो गया है। अभी समझाते हैं, समझाते हो, देखो सिल्वर क्लोराइड का क्या हो गया, अवक्षेप अलग हो गया। देखिए एक मिनट इधर, ये भी हम लिए थे एक्वस लिए थे, ये भी क्या लिए थे, और ये भी क्या लिए थे, एक्वस। सिल्वर क्लोराइड हो गया ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में, किसके रूप में, और ये तो विलयन होगा, ये क्या होगा, विलयन होगा। तो अब देखिए इसमें जब हम लोग इसको मिक्सअप किए हैं, तो आप लोग को थोड़ा हम पास में आके दिखा देते हैं, नमक लग गया इसमें। देखिए इसमें नीचे से देखो जी, देखा जी, ये ठोस अलग हो गया है ना जी। तो इसी को बोलते हैं अवक्षेप, ये ठोस होगा मतलब सॉलिड होगा, इसी ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, थोड़ा देर और छोड़ेंगे तो ये पूरा विलयन व्हाइट हो जाएगा और पूरा ठोस अलग हो जाएगा, चलो दही जैसा अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। इसको हम आगे दिखाते हैं,
देखो तो नीचे लिख रहा है ना, तो ये ठोस के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? ठोस के रूप में हो तो क्या रूप में हो तो दही बोलो। दही खेबो अभी खाए देखो करे हम ही दही खाए हम ही देखो ये नहीं गिरा देखो ये नहीं गिरा क्लास से देखो यही बन गया ठोस। यही क्या बन गया? ठोस बन गया। इसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसे क्या बोलते हैं? अवक्षेप। देख देख थोड़ा सा दिख रहा होगा। नहीं मरेगा नहीं क्लास में सब कुछ गिरा रहे हैं। देख निकालना ना भाई देखो ये कैसा हो ये ठोस हो गया ना बाहर निकाल कर देखो पीस लो ये भी कह दीजिए कि मिठाई खट्टा चाक के दिखाइए।